नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कि आपका मोबाइल फोन से अगर कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है या फिर आपका मेमोरी कार्ड से कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको कैसे आप रिकवरी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप शायद इससे पहले यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारा तरीका आपको बताया जाता है, बट वो सभी के सभी जो है फेक होता है ज्यादातर, और कुछ काम भी कर जाता है तो 100% जो है आपका रिकवर नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है। बट मैं आपको आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज करने के बाद आपका फोन का कोई डेटा अगर डिलीट होता है, लाइक फोटोज हो, वीडियोस हो, या फिर कोई मैसेजेस हो, या फिर आपका मेमोरी कार्ड से कोई भी वीडियो फोटो ये सब डिलीट होता है, या फिर आपका मान लीजिए व्हाट्सएप से भी कोई अगर डेटा डिलीट हो जाता है, चाहे वो मैसेज हो, फोटोज हो, वीडियो हो, चाहे आपका कॉन्टेक्ट नंबर से भी कोई डेटा डिलीट हो जाता है, तब भी आप जो है मतलब पूरा का पूरा जो है डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, सिंगल क्लिक पर ही आप जो है पूरा का पूरा 100% डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर के कैसे करके आप ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। यार आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, आपका लाइक कमेंट ये सबसे ही हमें जो है मोटिवेट मिलता है, और आप सभी के लिए वीडियो भी अच्छा अच्छा बनाने का इंटरेस्ट आता है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन है वहां पे लाइक कर दो। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव होगा तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर चैनल में नया आए हैं तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इस चैनल में आगे जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक को फॉलो करके ये वाला सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है डॉक्टर फोन। तो इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आइडिया आ जाए कि आपको कैसे ये सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर के ऊपर कुछ इस टाइप से आइकन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इस सॉफ्टवेयर को ओपन, तो यहाँ पे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद रिपेयरिंग, उसके बाद इरेज का, उसके बाद स्विच, उसके बाद बैकअप, उसके बाद अनलॉक, और उसके बाद रूट का। तो ये सारा सब कुछ आप ये सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, बट ये सारा फंक्शन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने डिलीटेड फाइल को जो है, डिलीटेड फाइल हो चाहे फोल्डर हो या फिर कोई भी फोटोज हो, वीडियो हो, उसको कैसे आप रिकवरी कर सकते हो। अगर आपको ये सारा सब कुछ, बाकी का जितना फंक्शन है ये सारा सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप नीचे कमेंट पे मुझे लिखिए, मैं जरूर से उसके लिए अलग सा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं ये सारा जितना भी फंक्शन है ये सारा फंक्शन को कवर करूंगा उस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो पर मैं ये रिकवरी का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, रिकवरी के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डबल क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये एक पेज नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पे आपको करना क्या है, आपका मोबाइल फोन को डेटा केबल से कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल फोन को जो है डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। और जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके कंप्यूटर के ऊपर भी यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपने जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है मोबाइल फोन को कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो डेटा केबल है वो अटैच हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, जो मेरा मोबाइल फोन है उसके साथ मेरा लैपटॉप में कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोन का जो मॉडल है वो ओप्पो रियलमी 2 प्रो, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस आ रहा है, आप क्या क्या जो रिकवरी क्या क्या
करना चाहते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन सा चीज जो है रिकवरी करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑप्शन हो गया, आप अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप मैसेजेस, अटैचमेंट है, गैलरी से आपको कोई भी अगर डिलीट हो गया तो वो कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप ऑडियो से कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपका फोन का रिकवरी करना है तो यहाँ पे आपको रिकवरी फोन डेटा के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपका एसडी कार्ड से रिकवरी करना है तो यहाँ पे आपको एसडी कार्ड का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपका ब्रोकन फोन है, अगर आपका फोन टूट गया या फिर खराब हो गया, उस फोन से भी अगर आपको डेटा रिकवरी करना है तो भी आप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इतना सारा डेटा जो है रिकवरी नहीं करूंगा, वरना जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ फोटोज को जो है रिकवरी करूंगा। तो ये सारा सब कुछ मैं अनटिक कर देता हूँ और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं गैलरी को रखता हूँ, जिससे मैं कुछ फोटोज को जो है रिकवरी करके आपको दिखाऊंगा। ये जितना आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, जितना आपका मोबाइल फोन में डिलीटेड फाइल होगा, जितना ज्यादा होगा उतना आपका जो है यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन फॉर डिलीटेड फाइल, और यहाँ पे लिख सकते स्कैन फॉर डिलीटेड फाइल लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे के साइड आप देख सकते हैं स्कैन फॉर ऑल फाइल लिखा हुआ है। तो आप अगर सभी फाइल को जो है स्कैन करके रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड फाइल को या फिर फोटोज को वीडियो को अगर रिकवरी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है। तो मैं डिलीटेड फाइल को रिकवरी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोन है वो यहाँ पे दिखा रहा है द प्रोग्रामिंग विल बी रूट योर डिवाइस ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस बिकॉज इट विल बी अलाउ मोर एक्सेस टू रिकवर योर डेटा। तो यहाँ पे आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रूट हो जाएगा, और यहाँ पे आप थर्ड नंबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे द रूट एंड अनरूट ऑपरेटिंग विल बी नॉट वॉइड योर वारंटी, यानी कि ये जो रूट और अनरूट करेगा इससे आपका वारंटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपका जो वारंटी होगा वो बिल्कुल वारंटी ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे चार नंबर में आप देख सकते हैं आपका जो बैटरी है वो मिनिमम 20% चार्ज होना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप मिनिमम ये देख लीजिए कि आपके फोन में 20% चार्जेस है या फिर नहीं, अगर कम होता है तो आप पहले अपना फोन को चार्ज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे यूज कीजिए। तो यहाँ पे मेरे फोन में 20% चार्ज भी है और सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोन है वो यहाँ पे स्कैनिंग होना शुरू हो जाता है, आपका फोन में जितना भी डिलीटेड फाइल है, जो भी फोटो से वीडियो है, वो यहाँ पे आपका रिकवरी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये होने थोड़ा प्रोसेस होने में यहाँ पे टाइम लगता है, तो अगर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, 1-2 घंटा का हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, और आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए, आपका जो है 100% डिलीटेड फाइल डिलीटेड डेटा जो है रिकवरी हो जाएगा, ये एकदम 100% है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे आपका जो डिलीटेड फाइल है, डिलीटेड जितना भी डेटा है वो रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपका जो डिलीटेड फाइल फोल्डर है वो आपको एक फोल्डर के अंदर मिल जाता है। तो ये अगर मैं वीडियो कंटिन्यू करूं तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, 1-2 घंटा हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू करूं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूं। और दोस्तों आप इस वीडियो को, इस सॉफ्टवेयर को जरूर से यूज कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डेटा रिकवरी करना है तो एकदम 100% ये जो सॉफ्टवेयर है वर्क करता है, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप उस वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए और एक वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।